नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नव दुर्गा ज्योतिष में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सपने में बाढ़ देखने की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में, जैसे सपने में बाढ़ देखना, सपने में बाढ़ आते देखना, सपने में बाढ़ का पानी खूब बहाव में बहते देखना या सपने में बाढ़ के पानी में डूबते देखना। तो सपने में बाढ़ का पानी देखने का मतलब जानने से पहले आप सभी मित्रों से वही पुराना निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने अंगूठों को थोड़ा सा उठाकर सब्सक्राइब की बटन पर रख दो ताकि सब्सक्राइब हो जाए। चलो बताते हैं। तो वैसे तो सपने में बाढ़ देखना एक बुरा सपना है। यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आपको किसी न किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। चलो बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने सपने में यह देखता है कि वह सपने में बाढ़ देख रहा है, किसी नदी में बाढ़ आ गई है या किसी तालाब में खूब तगड़े से पानी भर गया है, तो इसका मतलब यह होगा कि उसे आने वाले समय में किसी न किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा, वहाँ से उसे कष्ट की प्राप्ति होगी। अगर कोई व्यक्ति अपने सपने में यह देख रहा है कि वह बाढ़ के पानी में डूब रहा है, तो इसका मतलब यह होगा कि उसे शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ेगा, किसी प्रकार के रोग का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है वहाँ से उसे धन हानि का भी सामना करना पड़े। अगर कोई व्यक्ति अपने सपने में यह देख रहा है कि वो बाढ़ का पानी जो है, गंदा पानी बह रहा है, तो इसका मतलब ये भी होगा कि उसे कहीं से दुख संकट आएगा, शारीरिक कष्ट मिलेगा और उसे धन हानि का भी सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे और भी सपनों के बारे में जानने के लिए आप सभी मित्र हमारे YouTube चैनल पर जाकर सर्च कर जान सकते हैं। तो अगर वहाँ से आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है तो आप हमें अपने कमेंट के द्वारा सूचित करें, हम आपको जल्द से जल्द आपके कमेंट के उत्तर को देने की कोशिश करेंगे। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।